कोल्ड ड्रिंक पानी पूरी। एक दिन माधापुर नाम के गांव में एक ऑटो ट्रॉली आया। उस ऑटो ट्रॉली में एक औरत अपने बेटे के साथ आ रही थी। उसने उस गांव में एक घर किराए पर लिया और फिर उसने उस गांव के बाजार में पानी पूरी का धंधा शुरू किया। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। वो आदमी उस औरत से, तुम कौन हो बहन? इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर। तब वो औरत, भाई साहब मेरा नाम राधा है और ये मेरा बेटा है। हम पास वाले गांव के रहने वाले हैं। मेरे पति ने बहुत उधार लिया और उसे चुका ना पाकर उन्होंने अपनी जान दे दी, इसीलिए मैंने वो घर बेच दिया और गांव छोड़कर यहाँ आ गए। और ये देखिए पानी पूरी का धंधा कर रही हूँ मैं। तब वो आदमी, पर बहन क्या कन्ना जानता है कि तुम ये धंधा यहाँ कर रही हो? तब राधा, लेकिन भाई साहब मैं किसी कन्ना को नहीं जानती। तब वो आदमी, तुम कन्ना को नहीं जानती तो तुम्हें कन्ना के बारे में बताना जरूरी है। कन्ना इस गांव के लिए मुसीबत है। वो यहाँ के हर व्यापारी से पैसा वसूल करता है। अगर पैसा देने से मना कर दें तो वो ना मारता है ना भगाता है, बस उनके धंधे को यूं बदनाम करता है कि वो खुद ब खुद वहाँ से भाग जाएं। वो इस गांव में किसी से नहीं डरता लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक दुकान के करण से डरता है। ऐसा कहा। तब राधा, लेकिन उससे क्यों डरता है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक दुकान का करण जो है इसका बड़ा भाई है। करण के सामने कन्ना की नहीं चलती और करण इसके मामलों में दखल नहीं देता। वो तो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, इसीलिए आजकल कन्ना और उछलने लगा है। तभी कन्ना वहाँ पहुँचा। कन्ना पानी पूरी के ठेले के पास आया और, क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो? क्या रे? मेरे बारे में क्या बता रहा है? अरे तू मेरे बारे में क्या बताएगा, मैं खुद बताता हूँ। कहकर राधा से, देखो बहन मेरा नाम कन्ना है, अगर तुम्हें यहाँ धंधा करना हो तो मेरी बात माननी होगी, मुझे पैसे देने होंगे। अगर मना कर दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तब राधा, भैया मैंने तो धंधा आज ही शुरू किया है, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप चाहे तो पानी पूरी खा के जाइए। कन्ना मान गया और राधा के पास पानी पूरी खाने लगा। यूं कन्ना हर रोज आकर राधा से पैसे वसूल करने लगा। एक दिन कन्ना राधा के पास आया और उससे पैसे मांगने लगा। राधा, भैया आज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आज मेरे बेटे की स्कूल के फीस भी भरने हैं। तब कन्ना, अरे इसके स्कूल के फीस भरो या ना भरो, लेकिन आज अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो ये तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं रहेगा। तब बिट्टू, हम यहाँ धंधा कर रहे हैं तो तुम बीच में आकर यहाँ टांग क्यों उड़ा रहे हो? तब कन्ना, अच्छा बच्चू ठिंगने से हो और तुम आकर दिखा रहे हो, तुम मुझसे तू तड़ाके से बात करते हो, तो ठीक है बच्चू मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे धंधा कैसे करते हो। कहकर वहाँ से चला गया। उस दिन से राधा पानी पूरी बनाने के लिए सामग्री खरीदने दुकानों पर जाती तो कोई उसे सामान देता नहीं था। राधा के पास पहले ही बनाए हुए पानी पूरी तो थे लेकिन पानी बनाने के लिए मसाले और सब्जी उसे कोई बेच नहीं रहा था। ये सब लोग कन्ना के डर के मारे कर रहे थे। राधा बहुत दुखी हुई। तभी कन्ना का बड़ा भाई कूल ड्रिंक करण वहाँ आया। करण राधा से, देखो बहन मैं समझ गया कि मेरा छोटा भाई आप लोगों को धंधा करने नहीं दे रहा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पानी पूरी बनाने के लिए आपके पास सामग्री ना हो लेकिन मेरे पास एक उपाय है, मैं आपको कूल ड्रिंक्स दूंगा, आप पानी पूरी में कूल ड्रिंक्स डालकर बेचो। वैसे भी गर्मी का मौसम है, लोग खूब आएंगे खाने के लिए और बड़े मजे से खाएंगे। मैंने अपने पिताजी से वादा किया था इसीलिए अपने छोटे भाई को मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन दिन भर दिन उसकी ये हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मैंने जैसे कहा आप कोल्ड ड्रिंक पानी पूरी बेचो और जब पैसे बन जाएं तब मुझे पैसे दे देना। राधा मान गई और पानी पूरी में कोल्ड ड्रिंक्स डालकर बेचने लगी। उनका ये आइडिया कामयाब रहा। वो कोल्ड ड्रिंक पानी पूरी खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ ही दिनों में राधा का धंधा खूब अच्छी तरह चल पड़ा। क्योंकि कन्ना के बड़े भाई कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करते थे तो इसलिए कन्ना भी राधा के धंधे में टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन कन्ना अंदर ही अंदर जल रहा था कि उसके खिलाफ जाकर राधा का धंधा खूब चल रहा है। उसने अपने आदमियों से कहकर राधा के ठेले को विनाश करने का फैसला किया। उसने अपने 4 आदमी भेजे। वो राधा के ठेले को तोड़ने ही वाले थे कि करण ने आकर उनको खूब मारा। ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर कन्ना देख रहा था।
करण जाकर उसको पकड़ कर ले आया। फिर उसने कन्ना को भी खूब मारा। फिर करण, कंबख्त, मैं इतने दिन चुप बैठा था ये सोचकर कि तू कभी तो सुधरेगा, लेकिन आज तुमने औरत को मारने की ठान ली, कमीने, कहकर उसे खूब मारा। तुमने इतनी हरकतें की लेकिन गांव वाले चुप रहे, जानते हो क्यों? क्योंकि वो हमारे पिताजी की इज्जत करते हैं। पिताजी का नाम रोशन ना किया तो ना सही, कम से कम बदनाम तो ना करो, ऐसा कहा। उस दिन से कन्ना बदल गया और वो अच्छा काम करने लगा।